बन चुका है शायद। और कुछ सामान चाहिए क्या? चलो तब ला देते हैं। और कोई सामान? हे गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा। ये बाइक का नाम क्या है? ये वाला अपाची है, और अपाची सब निकले हुए हैं तो दिखाते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, बाकी सब लोग खा लिए, नाश्ता कर लिए है, बाकी मैं और दीदी और ये बचे हुए हैं लोग, तो जा रहे हैं हम लोग साथ में खाने। और नाश्ता में अभी हम लोग रोटी सब्जी दाल, और मम्मी जी बाहर गई थी मंदिर पूजा करने दीदी के साथ, तो वो लेकर आई है लिट्टी चोखा चटनी। तो अभी चल रहे हैं हम लोग खाने, और अभी मैं थोड़ी देर के बाद आप लोग से सृष्टि दी से भी मिलवाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है, फनी है, और ऐसा लगता है ना कि वो आती तो चार चांद लग जाता है। तो घर में अभी आई तो इतना चहल पहल हो गया है ना, तो आप लोग उनकी देखिएगा उन्हें, और फिर चलिए। तो यहाँ पर नाश्ता मैं निकाल ली हूँ, और अभी दीदी आ रही है, तो हम लोग दोनों साथ में नाश्ता करेंगे। तो फाइनली अभी जाकर टाइम मिला दीदी को, आई, और अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। अभी चला रहे हैं, और एक वो दे दीजिए, अच्छा लगेगा। यहाँ पे है ये, एक बार किसको दूँ दिए थे तो केस हो गया। हाँ बोल दिया था, नहीं इतना नहीं मिला है, आजकल का कटाया दे दीजिए। अच्छा वो काजल और मिठू मैं थी मुझे, पर वो हो जाए प्रैंक क्या। तो अभी चलते हम भी खाने। हे गाइस, तो फाइनली यहाँ मम्मी जी के पास आ गए हैं, और मम्मी जी अभी क्या किए, नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, और अभी रेस्ट कर रही हैं। और तब आज कौन सा सेट पहनना आपको? पहनेगा पुराना वाला, पुराना जो भी चीज़ होता है अच्छा होता है। और वैसे तो आपके पास पुराना रहता है, लेकिन उसको देखने में लगता है कि एकदम न्यू है। वैसे हम रखते हैं बाबू, आपको बता दें कि पापा जी एक दिन साड़ी लेकर आए थे, तो तीज के एक दिन पहले ना रात में धूला कलर, हाँ, तो हम लोग देखे तो हम लोग को लगा कि वो तीज गिफ्ट कर रहा है, लेकिन वो तीज गिफ्ट नहीं था, वो डाइक्लिन के लिए गया था। तो दिया था सिल्क का साड़ी था, जो कि छुटकी के बर्थडे पर पहने थे वही साड़ी, आसमानी कलर का फिरोजी सिल्क। हाँ, तो वो वाला साड़ी ना गाइस करा कर टाइम वॉश करा के लाए थे, तो इन लोग कह रहे पापा जी नया साड़ी गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ, नया साड़ी नहीं है, वो पहले का साड़ी है, और आज भी हम पहनेंगे तो पहले आज का ही पहनेंगे। कौन सा कलर पहन रही हैं? देखते हैं, पर्पल कलर पहनेंगे। पर्पल, चलिए बढ़िया है। तो हम पहले का भी साड़ी को एकदम अच्छे से इज्जत से रखते हैं, जैसे हम रहते हैं उसी तरह उसको रखते हैं। हाँ। कि साड़ी निकालो तो लगे कि न्यू खरीद के आया है। ये लोग बबनी लोग क्या करती हैं कि पहन लेती हैं लोग, और कोनो सरफ से धो देती हैं लोग। हाँ। तो इसीलिए इन लोग का साड़ी धूप में घामा में जलते रहता है, तो इसीलिए इन लोग का साड़ी का ख़त्म हो जाता है। और हम अगर धुलाते भी धोते भी हैं साड़ी ना, तो सर्फ एक्सल से या शैम्पू से धोते हैं, जो न्यू साड़ी होता है। और अभी पापा जी भी यहाँ आ गए हैं, न्यू साड़ी को शैम्पू या अथी से धोते हैं, सर्फ एक्सेल से या एरियल से, और धूल के उसको छांव में डालते हैं, धूप में नहीं डालते हैं, तब एकदम अच्छे से फोल्ड करते हैं। इन लोगों फोल्ड किया हुआ हमको पसंद नहीं आता है। कल सिल्क अथी का साड़ी कॉटन का जैसे तैसे उठा के सब रखी हुई थी, लेकिन उसको 18 को साड़ी को फोल्ड किए और एकदम हाथ से ऐसे ऐसे कर दिए, एकदम लग रहा है आयरन किया हुआ साड़ी, हम एकदम लगा के रख दिए हैं अच्छे से। और ये लोग ले जाती हैं फोल्ड करके ऐसे धो देती हैं, तो उस साड़ी का क्रीज ख़त्म हो जाता है। इसलिए अच्छे से साड़ी कपड़ा पहनो, लेकिन उसको इज्जत से रखो, तो बहुत दिन चलता है। ये हमको लग रहा है कि लड्डू का जन्म के बाद का है ये साड़ी, इतना दिन पहले का, लेकिन पहनी है तो एकदम न्यू लग रहा है, एकदम न्यू साड़ी। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं, जब पहनी है तो लग रहा है कि एकदम अभी चार साल पहले का साड़ी है ये। अच्छा,
तो हम फिर इसको भी धुलेंगे। लक्ष्मीपति का साड़ी है तो सारा साड़ी आपका ड्राई क्लीन के लिए ही ना जाता है? नहीं, हाथ से ये सब साड़ी तो हाथ से धुलते हैं। सिल्क वाला साड़ी जाता है, जो सिल्क होता है, सिल्क दो बार पहन लेते हैं तब भेज देते हैं। अभी हमको भी देना है साड़ी ड्राई क्लीन के लिए, क्योंकि पहने हैं, दो तीन बार पहने और रखा हुआ है। तो साड़ी सिल्क का हम कराते हैं, और हेवी साड़ी जो रहता है ना वर्क वाला, जैसे नेट वाला चाहिए वाला सब साड़ी, उसको हम देते हैं। तो ये लोग नेट का भी धूल देती हैं हाथ से, कभी कभी पहनना चाहिए, एक के बार सब नहीं पहना जाता है। तो आज भी पहनेंगे हम, इसी कलर का तो है, मेरा वेलवेट का साड़ी है। अच्छा, वेलवेट का पहनेंगे। ये लोग न्यू खरीदी हैं, ये भी खरीदी हैं न्यू, तो अभी तो आया नहीं है, बोली है कि एक बजे देंगे। उसमें भी कोई कोई बोला है कि आंटी जी जो पहनेंगी तो सबसे अलग पहनेंगी। मम्मी जी का हमेशा अलग ही रहता है, कोई भी सेट हो या फिर साड़ी हो तो आप तो सिंपल लेके चल देते हैं भाई, सिंपल आईलाइनर ना कुछ कोनो चीज हम ना लगाते हैं, एगो क्रीम बस पाउडर लगा ले काम खत्म। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही नहीं लगाते हैं, दूसरा कुछ नहीं, और उतना ही होना भी चाहिए, ज्यादा रखने से चेहरा खराब होता है, हम तो यही जानते हैं। ज्यादा लिपा पोती करो चेहरा खराब, क्या है बाबू, दे सचिन भैया का। तो बस रहने देते हैं, अभी तो खाना होना, दोपहर का लंच बन रहा है, बन जाएगा फिर सब लोग खाएंगे, और फिर आप लोग को और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग तो देखने को मिलेगा ही। बाकी अभी मम्मी जी भी ब्लॉग डाल दिए ना, अभी तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, कल मम्मी जी अपना रूम पूरा क्लीन की थी, और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सब फोल्ड कर रखी हुई हैं। अब हमको भी अपना क्या करना है, एक दिन जाना है रूम में, और फिर उसके बाद सब अच्छे से हम भी क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, क्योंकि ऐसे रहता है ना तो सब पूरा मैसी लगता है। तो बस यही है, बाकी यहाँ पे अभी मम्मी जी भी कर रही हैं, और आज जो मौसम हुआ है ना इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है, एकदम हवा चल रहा, धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा मौसम रहता ना तो अच्छा लगता है, उतना गर्मी भी नहीं लगता है। तो बस अब रहने देते हैं और चलते हैं अब उधर। तो गाइस यहाँ पे सब लोग जो है आता है ना, सब लोग से डर जाता है, तो इसीलिए इसको हम अपने रूम में मस्त एसी चला के इसको रखते हैं कि इसको कोई दिक्कत ना हो ना जेरी, इसलिए हमको बहुत मानता है जेरी। हाथ पेट, अच्छा भूख लग गया है क्या, रुको देते हैं खाना, आओ हाथ धो जा रहे हैं, हाथ धो दांत दिखाओ, अपना ब्रश नहीं किया है, दांत दिखाओ जी पापा, जाओ उतर जाओ। तो यहाँ भी चल रहे रूम में, और देखते हैं सभी लोग क्या कर रहे हैं। तोड़ो माथा तोड़ो तो उसका। यहाँ पे देखिए ये क्या नेम है आपका वैसे? मेरा नाम चाचा जी है, वैसे हम लोग सारे लोग चाचा जी कहते हैं। क्यों चाचा जी, क्यों आप चाचा जी के नाम से चाचा रखते हैं? अच्छा, तुम्हारे भी चाचा जी है भाई, क्या अच्छा। ठीक है, तो आज से अब हम भी बोलेंगे चाचा जी, ठीक है। और वहाँ पे देखिए तेजस सारे गेमर्स बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं बैठकर, और छोटू भी है, बाकी यहाँ सीएम बाबू है तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, देख रहे हैं जो लोग गेम खेल रहे हैं। बस हम लोग थोड़े देर के बाद सब लोग जाने वाले हैं अपने काम पे, खेलता हूं इसी, देख रहे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो बढ़िया आया था तू, और यहाँ पे जुगाड़ देखिए कितना अच्छा जुगाड़ लगा हुआ है, यहाँ पे कीबोर्ड माउस, बाकी अभी सब लोग हैं लोग रूम में। तो भाई यहाँ पे अभी बन रहा है परवल, बाकी जो वहाँ पे आलू वालू खुला रहा है, और सारा जो है बन चुका है शायद। और कुछ सामान चाहिए क्या? चलो तब ला देते हैं। और कोई सामान बताइए, चलिए बाकी सारा सामान यहाँ पे आ चुका है, चावल से लेके सब कुछ सब उत्तर पहले से फिर जाना है। तो वहाँ पे और क्या है घट, मतलब वहाँ पे कोई आया है कि नहीं? अभी कोई नहीं। चलो चला जाए,
तो जा रहे हैं आप लोग? अभी फिर बैठे जाओ वहाँ पे। तो अब यहाँ पे सब लोग तो नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने रूम में हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं लोग। बाकी अभी सृष्टि दी भी आई हैं तो वो भी आराम कर रही हैं, और मैं भी अपने रूम में बैठी हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इनका कपड़ा आराम कर दूँ, क्योंकि ये कल ही रात में बोल दिए थे कि कल हम वाइट सेट पहनेंगे, तो ये तो धुला हुआ नहीं था। तो मैं क्या की हूँ, सुबह में धोए हैं और अभी तक सूख गया है, तो सोची थी कि चलो अभी भीड़ नहीं है तो आयरन कर देते, नहीं तो अभी थोड़ी देर के बाद सब लोग गेस्ट लोग भी आना स्टार्ट हो जाएंगे तो थोड़ा भीड़ हो जाएगा। और अभी अंशु भी आने वाली है हमारे घर पे, तो वो देखते कब तक आती है कब तक नहीं आती है, क्योंकि सुबह ही कॉल हुआ था तो बोल रही थी कि भैया रेडी हो रहे हैं आ रहे हैं, तो वो हमको भी हमको लगता है कि वो एक डेढ़ घंटे में वो भी आ जाएंगी। बाकी अभी सब लोग आराम कर रहे हैं, अभी दोपहर का टाइम है, तो अभी मैं आयरन कर फिर जाऊंगी मम्मी जी के पास और पूछूंगी खाना के लिए, अगर खाएंगे तो उनको खिलाकर फिर उसके बाद आकर मैं भी थोड़ा आराम करूंगी। फिर शाम में सब लोग रेडी होंगे, तो आज सबका लुक आने वाला है और आज बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग भी आएगा, तो इसलिए आप लोग मिस मत कीजिएगा और ब्लॉग को खूब ढेर सारा इंजॉय कीजिएगा और खूब लाइक कीजिएगा। तो बस अब रहने देते हैं ब्लॉग को।